फागुन की पूर्णिमा यही चुना श्री कृष्ण ने प्रकट होने के लिए। शक संवत 1407 पूर्णिमा की संध्या में सिंह लगन और सिंह राशि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण और कृष्ण चिंतित सोचते हैं और किसी विशेष कारण के लिए पुनः प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। जब चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट नहीं हुए उससे पहले, जैसे श्री कृष्ण अपने आने से पहले अपने गुरुजनों को, सभी मित्रों को, संबंधियों को भेज दिया, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी भेज दिया। सब प्रकट हो चुके, उनमें से अद्वैत आचार्य अपने घर में रोज श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, सभी वैष्णव उनके घर में जुटते और खूब अच्छे से कीर्तन करते और अद्वैत आचार्य सबको भागवत सुनाते। श्रीमद् भगवद गीता का जो संदेश है श्री कृष्ण का वो बताते, लेकिन साथ ही साथ में वो चिंतित है, कष्ट है उनको उनके हृदय में इस बात का कि लोग बाग कृष्ण भक्ति के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे, बढ़ नहीं रहे। और वो ये भी जानते हैं कि जब तक जीव हरि भक्ति में नहीं लगता है तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसलिए इस कष्ट को देखते हुए, वैष्णव को कष्ट नहीं होता है, वैष्णव का दुख है पर दुखा दुखी, वैष्णव को अपना कोई निजी दुख नहीं होता है, वो भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करता है, समर्पित होता है, भगवान का प्रसाद लेता है वो हर चीज में, भले वो कष्ट भी आता है तो उसको भी ऐसे ही लेता है कि जैसे कृष्ण ने हमारे लिए कुछ इसमें अच्छा किया है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों। तो तब अद्वैताचार्य प्रभु ये सोचते सोचते एक दिन निश्चय कर लिया कि हम कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण प्रकट हो और कलयुग में कृष्ण भक्ति का प्रचार करें, तभी लोग मुक्त होंगे, तभी लोगों को इस भाव बंधन से छूटने का रास्ता मिलेगा। तो प्रतिदिन गंगा के तीर पर तुलसी दल और गंगा जल से कृष्ण का पूजन करते हैं और ओंकार लगाते हैं, कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हैं कि कृष्ण आप कृपया प्रकट होइए। कितना उनके दिल में दर्द होगा जीवों के प्रति कि वो भक्ति में लगे, कृष्ण नाम का कीर्तन करने में लगे और आनंदित हों। आप देखें आज संसार में लोग बाग बाकी तो सब कुछ कर सकते हैं, कितना परिश्रम कर सकते हैं, कितना कष्ट उठा सकते हैं अपने लिए, लेकिन अगर कोई भक्ति की बात करो, कुछ उनको पता लगे कि कीर्तन करना चाहिए तो वो नहीं होता, जप करना चाहिए वो नहीं समझ आता है, लेकिन संसार में अंथक प्रयास करने को तत्पर रहते हैं। तो अद्वैत आचार्य प्रभु की हुंकार सुनकर कृष्ण ने निश्चय किया और वो प्रकट हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो आज पूर्णिमा के दिन संध्या के समय। और आप श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब प्रकट होते हैं
तो उनको पता है अद्वैताचार्य की इच्छा और जानते हैं, तो अपने प्रकट होने से पहले ही उन्होंने अपने नाम को प्रकट कर दिया। कैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट होते हैं, जो निष्कलंक कोई जैसे चांद है, तो चांद में कोई ना कोई दाग है, कलंक है, और चैतन्य महाप्रभु जी रूपी चांद जो है उसमें कोई दाग नहीं। तो राहु ने देखा भी जब इतना बढ़िया चांद है तो उस पे निष्कलंक चांद की क्या आवश्यकता है, तो कवर कर दिया, ग्रहण लग गया। और ग्रहण के समय क्या करते हैं सब लोग, कोई अपना भजन, भगवान का नाम, पूजन, अर्चन, दान पुण्य और स्नान। तो सब लोग चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट होने से पहले ही कृष्ण हरि राम नाम का गान करते हैं, पुकारते हैं, और जाके गंगा जी में स्नान करते हैं संध्या के समय जब चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट होते हैं। अब देखिए इसमें चैतन्य महाप्रभु जी के जो प्रकट होने का विशेष उद्देश्य क्या है, अद्वैत आचार्य जी ने उनको इनवाइट किया कि आप आइए इस संसार में बद्ध जीवों को आप ही मुक्त कर सकते हैं। मतलब अद्वैत आचार्य जो के स्वयं साक्षात महाविष्णु, वो ऐसा सोचते हैं और वो कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आइए, आकर जीवों का कल्याण कलयुग में नहीं हो सकता है और किसी भी तरीके से, आप आकर कृपा करें। और श्री कृष्ण आते हैं और आकर आपने जन्म से ही इस तरह का लीला होता है कि जब वो प्रकट होने से पहले ही नाम प्रकट हो गया, लोग बाग नाम लेने लग गए, कीर्तन करने लग गए। अब जब नमाई चांद जब हल्का सा भी कभी रोते हैं तो सारी जो आसपास की महिलाएं जो घर में आती हैं बालक को देखने, कोई उपहार लेके आती हैं, कोई खिलाती हैं, जब देखती हैं तो रोता है जब कभी बालक, तो और कैसे भी चुप नहीं करता है। जब उनको हरि का नाम लेते हैं तो एकदम मुस्कुराने लग जाता है चुप होकर। अब उन महिलाओं को ये टेक्निक पता लग गया तो उन्होंने इनका नाम क्या रख दिया, गौर हरि। चैतन्य महाप्रभु जी का एक नाम श्री गौर हरि भी है, तो वो नाम से पुकारते तब चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाते हैं, हरि बोल करते तो खुश हो जाते हैं छोटे बच्चे के रूप में ही। तो इस तरह से उनका लीला चलता है। और जो नवद्वीप है जहां पर ये प्रकट होते हैं, वहां उस समय जो विद्वता का एक स्थान है, वो मतलब जो दुनिया भर के लोग पढ़ाई करने आते हैं, वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो उस समय वो विद्वता का एक बड़ा सीट था जिसमें जाकर लोग पढ़ने जाते थे। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जी के पिता श्री श्री जगन्नाथ मिश्र जो रहा करते थे श्रीहट जिले में, वहां से वो आ गए नवद्वीप और आके वहां पर पढ़े, वहीं सेटल हो गए और वहीं पर उनका विवाह हुआ सच्ची माता से, और तब चैतन्य महाप्रभु जी वहां पर प्रकट होते हैं। अब जो चैतन्य महाप्रभु जी के आते हैं, आकर लीला करते हैं, तो उनकी लीलाओं में क्या विशेषता है, भगवान जब भी आए, कृष्ण आए, राम आए, कोई भी अवतार में भगवान आते हैं तो क्या होता है, भगवान आकर मारकाट करते हैं ठीक ठाक करने के लिए, सेट राइट करना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में उनका हथियार क्या है, उद्देश्य तो वही है कि जीव को भगवत भावना भावित बनाना, कृष्ण भावना भावित बनाना, कृष्ण भक्ति में लगाना। और जो बाकी अवतारों में उद्देश्य रहा भगवान का,
उससे बढ़कर उद्देश्य है चैतन्य महाप्रभु जी का, और वो उद्देश्य की पूर्ति बिना किसी अस्त्र और शस्त्र से है। कृष्ण सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हैं, राम जी आते हैं तो तीर मार देते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आने के बाद वो मुक्ति नहीं कर रहे, बहुत आगे की वस्तु है उनके हाथ में, वो बांटना चाहते हैं, वो देते हैं, और देते किस तरह से है, अपने नाम के माध्यम से, वो भी मुक्त हस्तों से बांटते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी अपने कोई ऐसा क्वालिफिकेशन रखते ही नहीं सामने कि इसका योग्यता है कि नहीं है, आप एक चीज करना है बस, भगवान का नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस कीर्तन का फल क्या है, इस कीर्तन का फल है कि भगवत जो भावना में हमारी रुकावट आती है, कृष्ण भक्ति में जो हमारी रुकावट है, वो हमारा अहंकार ही रुकावट होता है। और इस कीर्तन का सबसे पहला काम क्या होता है, ये कीर्तन का डायरेक्ट इंपैक्ट उसके चित्त पर है, ये चित्त का मार्जन करता है। जब हमारे चित्त का मार्जन होगा तब बात अपने आप बनेगी। क्या बात बनने वाली है कि हम अपनी पहचान जाएंगे, अपनी पहचान हमें पता लगेगी हम हैं कौन। आज जैसे हम अपनी पहचान किसके साथ करते हैं, अपने इस पंचभूतों का जो शरीर है उससे अपनी पहचान करते हैं, लेकिन जब चित्त का मार्जन होगा तो वो पहचान आएगी कि मैं तो भगवान कृष्ण का एक अंश हूं, नित्य दास हूं। जीव जो है उसका स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास है, उस दास्यता से वो मुक्ति नहीं पा सकता, भले वो कितनी भी तपस्या कर ले या कितना भी उसके अंदर ये दिमाग में बैठ जाए कि मैं स्वयं अब नारायण हो गया। सोचने से या तपस्या से भगवान या नारायण नहीं बना जा सकता है। और जो जीव है वो सनातन रूप से जीव है, हाँ वो बद्ध है, बद्ध से मुक्त हो सकता है, बस इतना हो सकता है। जीव कभी भगवान नहीं हो सकता, जीव भगवान का नित्य दास है। ये पहचान समझ आती है कि हम कृष्ण के नित्य दास है, और दास का काम है स्वामी का नित्य सेवा करना। और स्वामी क्या डिमांड कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जी क्या चाह रहे हैं हमसे, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है उनकी। उन्होंने पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, सब चीज दिया, पहले शरीर दिया, उसमें पूरा नेटवर्क है इंद्रियों का, और उसमें जीभ दिया, कान दिए। अब उससे वो चाह क्या रहे हैं हमसे, हम उनकी सेवा कहते हैं करनी है तो क्या सेवा करनी है। लोग बाग सोचते हैं भगवान की सेवा की बात होती है तो बस पैसा, भगवान की सेवा जो है हमारा भाव से हो सकती है। अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया ही नहीं तो आप एक पत्ता भी दे देते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाता है। और जब हम जो बात करने जा रहे हैं कि भगवान ने हमें शरीर दिया